बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता दें, जहां पर लेविस्टन में फायरिंग की घटना हुई है। 22 लोगों की मौत इस फायरिंग में हुई है। हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार भी हुआ है। वहीं पुलिस अब हमलावर की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं कई लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग इस आरोपी ने की है। ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिका की ये तस्वीरें हैं। अमेरिका में एक अज्ञात आरोपी ने लेविस्टन में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, 50 से ज़्यादा लोग माफ कीजिएगा घायल हैं इस गोलीबारी में। और इसके बाद हमलावर जो है वो मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस अब तलाश कर रही है हमलावर की और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये फायरिंग क्यों की गई है। तो अमेरिका के लेविस्टन की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से फायरिंग यहाँ पर की गई है वो आप तस्वीर देखिए। चारों तरफ किस तरह से अफरा तफरी मच गई। और इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें हमलावर की तस्वीर सामने आई है। दूसरी तस्वीर में जो युवक आप देख रहे हैं, यही वो हमलावर है जिसने अंधाधुंध गोलीबारी कल अमेरिका के लेविस्टन में की है, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही है। अब तक फायरिंग के कारण अज्ञात हैं, किसी भी तरह का कोई क्लू अब तक पुलिस को नहीं मिला है। लेकिन जो तस्वीर है वो जरूर सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज से ये तस्वीर सामने आई है इस हमलावर की, और अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है।